वेलकम टू स्टडी गो जीनत। आज का वीडियो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर होने वाला है, और जुरिस्प्रूडेंस की अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो वो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जुरिस्प्रूडेंस का पीडीएफ चाहिए तो उसके बारे में जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है उसको 19th सेंचुरी में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, सब उसको डिनाई करने लग रहे थे। जो बैंथम थे उन्होंने तो ये कह दिया था कि नेचुरल लॉ कुछ नहीं है, ये जस्ट एक फ्रेज है, ये सिंपल नॉनसेंस है। और जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन ने ये कहा कि जो नेचुरल लॉ है वो एम्बिगस है और मिसलीडिंग है। तो इस तरह से कोई भी नेचुरल लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो अब 19th सेंचुरी में एक नया स्कूल डेवलप हुआ इंग्लैंड में, जो कि था एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। और जैसे कि इस स्कूल को लाइट में लाने का काम जॉन ऑस्टिन ने किया था, तो इसलिए इसको ऑस्टिनियन स्कूल के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि ये जो स्कूल था, ये इस बात पे जोर देता था कि जो लॉ है वो सोवरेन का कमांड है, यानी कि लॉ तो बना दिया सोवरेन है, अब प्रजा के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि वो लॉ का पालन करे ही करे, अगर लॉ का पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। तो इस तरह से जो लॉ है उसको इंपेरेटिव बनाया गया था इस स्कूल के तहत, और इसलिए डॉक्टर एलन ने इस स्कूल को इंपेरेटिव स्कूल का नाम दिया। नेक्स्टली ये स्कूल इस बात पर जोर देता था कि जो लॉ है उसको एज इट इज ही देखो, जो एक्चुअल में लॉ एग्जिस्ट कर रहा है हमें उसी पर ध्यान देना है, बाकी जो लॉ का पास्ट है, मतलब पुराने टाइम पे लॉ क्या था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, और फ्यूचर में लॉ क्या होना चाहिए, इस बात से एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस वालों को कोई मतलब नहीं था। तो जो लॉ एज इट इज के बारे में ये बात करते थे उसको पॉजिटिव कहा गया, और इस वजह से इस स्कूल को पॉजिटिव स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी कहा गया। तो जैसा कि इस स्कूल का जो सब्जेक्ट मैटर था वो था पॉजिटिव लॉ, इसी वजह से जो प्रोफेसर डायस थे वो इस स्कूल के अप्रोच को पॉजिटिविज्म कहते थे, और पॉजिटिविज्म ये जो टर्म है इसको इन्वेंट किया था अगस्त कॉम्टे ने। और जैसा कि ये स्कूल आपका इंग्लैंड में फला फूला, इस वजह से इसको हम इंग्लिश स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और इस स्कूल के तहत जो भी लीगल कॉन्सेप्ट है उनको सिस्टमैटिकली एनालाइज किया गया, इसलिए इस स्कूल को जो हेनरी मैन है इन्होंने एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस नाम दिया। नेक्स्टली अगर हम बात करें कि इस स्कूल के एक्सपोनेंट कौन थे, समर्थक कौन थे, तो कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट थे इस स्कूल के, जैसे कि बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड, सामन, कैल्सन, ग्रे, हॉफफील्ड एंड एच एल ए हार्ट। जो ग्रे थे उन्होंने इस स्कूल को US में, और जो कैल्सन थे उन्होंने इस स्कूल को यूरोपियन कंटिनेंट में एक्सपेंड किया, और जो आपके जेरमी बेंथम थे और जो जॉन ऑस्टिन थे इनको इस स्कूल का मेन एक्सपोनेंट कहा जाता है। जो जॉन ऑस्टिन थे वो जेरमी बेंथम के शिष्य थे, जो भी बेंथम इनको बातें बताते थे उन्हीं को लगभग इन्होंने अपनी थियोरीज में दिया। जैसे हम डिजर्टेशन लिखते टाइम क्या करते हैं, गूगल पे देखते हैं काफ़ी सारा मटेरियल और उसको आगे पीछे करके लिख देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा रियल वर्क है। तो यही चीज़ जॉन ऑस्टिन ने किया था, हालांकि उन्होंने कुछ अपने एफर्ट्स भी लगाए, बट जो रियल वर्क था वो जेरमी बेंथम का था, और जेरमी बेंथम का जो वर्क था वो लाइट में नहीं आया था। तो इसी वजह से ये कन्फ्लिक्ट रहता है, कोई बोलता है कि जेरमी बेंथम को कहा जाना चाहिए एनालिटिकल स्कूल का फादर और जुरिस्प्रूडेंस का फादर, और कुछ लोग कहता है कि नहीं, जॉन ऑस्टिन को कहा जाना चाहिए एनालिटिकल स्कूल का फादर और जुरिस्प्रूडेंस का फादर। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें मुद्दे की एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की, तो जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से डील करता था, जैसे कि जो लॉ है वो क्या है, लॉ का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, लॉ और मोरालिटी में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ तक आपको थोड़ा एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के बारे में क्लियर हुआ होगा कि किस बारे में एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस बात करता था। नेक्स्टली अब हम कुछ मेन एक्सपोनेंट जैसे कि बेंथम, ऑस्टिन, कैल्सन और एच एल ए हार्ट, इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि इनका एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो सबसे पहले आते हैं जेरमी बेंथम, जिनको हम मॉडर्न एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस का प्रोजेनिटर भी कहते हैं। इन्होंने दो बुक लिखी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक है लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड और एक है थियोरी ऑफ लेजिस्लेशन। तो बेसिकली जो इनकी ये वाली बुक है द लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये लगभग इन्होंने 1782 के आसपास लिखकर ख़त्म कर दी थी, बट
लाइट में ही नहीं आई, किसी को पता ही नहीं चला, लाइब्रेरी में ऐसे के ऐसे पड़ी रही। एक्सीडेंटली जो सी डब्ल्यू एवर्ट हैं उनको ये बुक हाथ लगी। 1945 में उन्होंने इस बुक को सामने लाया और जो वर्क था जर्मी बेंथम का वो सबके सामने इस तरह से आया। तो तब कुछ लोगों ने ये रियलाइज किया कि हम तो ऑस्टिन को यूं ही कह रहे थे कि ये एनालिटिकल स्कूल और जर्मनी के फादर हैं, बट असल में तो जो वर्क ऑस्टिन अपनी बुक के माध्यम से पब्लिश करते आ रहे थे वो तो वर्क जर्मी बेंथम का था, क्योंकि जो जर्मी बेंथम थे वो ऑस्टिन के पड़ोसी थे और ऑस्टिन अक्सर बेंथम के पास जाकर बैठा करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। तो बेंथम जो भी बातें उन्हें बताते थे उनको वो जैसे आगे पीछे घुमा के अपने बुक्स में क्या कर दिए, पब्लिश कर दिए। बट जो बेंथम का वर्क था वो कभी लाइट में ही नहीं आया। इसके बाद जो ये बुक थी द लिमिट्स ऑफ जुरिसप्रूडेंस डिफाइन, इसका एक रिवाइज एडिशन 1970 में ऑफ लॉ इन जनरल के नाम से अंडर द एडिटरशिप ऑफ प्रोफेसर हार्ट पब्लिश हुआ। और इस रिवाइज एडिशन को जो लॉर्ड लॉयर्ड हैं इन्होंने कहा कि ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिसप्रूडेंस के लिए जर्मी बेंथम का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये लगा लो आप 1945 में सी डब्ल्यू एवर्ट को अगर जर्मी बेंथम की बुक नहीं मिलती तो हमें इतना ज़्यादा और नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि जर्मी बेंथम तो लुढ़क लिए थे, उनके अप्रोच के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। बट इनकी वजह से हमें अब पढ़ना पड़ रहा है जर्मी बेंथम के बारे में भी। वही बात हो गई, अगर न्यूटन के सर पे सेब नहीं गिरता तो हमें न्यूटन के लॉ नहीं पढ़ने पड़ते, फिजिक्स का जो इतना ज़्यादा एक्सटेंशन हो गया है वो ना हुआ होता। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता किसी और के सर पे सेब गिरता और वो बन जाता न्यूटन। और इसी तरह क्या पता जर्मी बेंथम की जो बुक है वो सी डब्ल्यू एवर्ट के अलावा किसी और के हाथ लग जाती और वो पता चल रहा अपना ही वर्क बता देता कि ये तो मेरा खुद का वर्क है। बेचारे सी डब्ल्यू एवर्ट ने तो ये कम से कम जाहिर तो किया कि ये तो बेंथम का वर्क था। तो ये जो भी बुक हमारे सामने आई, इन बुक्स से कुछ अप्रोच हमें पता चली जर्मी बेंथम की। तो जो जर्मी बेंथम थे वो बेसिकली नेचुरल लॉ की थ्योरीज को रिजेक्ट करते थे कि नेचुरल लॉ कुछ नहीं है, ये जस्ट सिंपल नॉनसेंस है, ये एक फ्रेज है और कुछ नहीं है। नेक्स्टली जर्मी बेंथम ने जुरिसप्रूडेंस के दो अप्रोच दिए, पहला एक्सपोजिटोरियल अप्रोच, दूसरा सेंसोरियल अप्रोच। एक्सपोजिटोरियल अप्रोच के तहत जो जर्मी बेंथम थे वो इस बात पे जोर देते थे कि जो लॉ है उसको एज इट इज ही देखना है, उसको एज इट इज ही पढ़ना है। लॉ फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, लॉ पास्ट में कैसा था, लॉ का मॉरल एस्पेक्ट, लॉ का इमोरल एस्पेक्ट, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, जो प्रेजेंट है ना बस उसी से मतलब है। जो लॉ एज इट इज है, जो एक्चुअल में लॉ एग्जिस्ट करता है, जो सोवरेन ने बना दिया है उसी से मतलब रखो। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले लॉ ऐसा था और फ्यूचर में लॉ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्टली जो दूसरा अप्रोच था जिसको कहा गया सेंसोरियल अप्रोच, इस अप्रोच के तहत जर्मी बेंथम ये चीज कंसीडर करते थे कि अगर हम लॉ को इस तरह से देखें कि लॉ क्या होना चाहिए तो ये लॉ का मोरल एस्पेक्ट होगा, तब हम मोरालिटी ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इस तरह से जर्मी बेंथम का कहना था कि जो एक्सपोजिटोरियल जुरिसप्रूडेंस है उसका फंक्शन है ये देखना कि जो लॉ है वो क्या है, प्रेजेंट में क्या है लॉ, और जो सेंसोरियल जुरिसप्रूडेंस है उसका फंक्शन है ये देखना कि लॉ क्या होना चाहिए। नेक्स्टली जो जर्मी बेंथम थे उनका ये कहना था कि जो लॉ है उसका पर्पस होता है टू ब्रिंग प्लेजर एंड टू अवॉइड पेन, और ये जो प्लेजर एंड पेन के बारे में बात की जर्मी बेंथम ने, इसको इन्होंने हेडोनिस्टिक कैलकुलस नाम दिया और ये कहा कि यही तो वो चीज है जो हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस कंटेक्स्ट में ही इन्होंने ये कहा कि हमको ना वो चीज करनी चाहिए, हमें वो एक्ट करना चाहिए जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन के लिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को ब्रिंग करे, और इसी चीज को इन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और इस पर्पस को अचीव करने के लिए जर्मी बेंथम ने लॉ के कुछ फंक्शन बताए, जैसे कि सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करना, अबंडेंस प्रोड्यूस करना, इक्वलिटी को फेवर करना और सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो इस तरह से इनका कहना था कि कोई भी लॉ ये फंक्शन अगर परफॉर्म करता है तो वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को अचीव कर सकता है। इस तरह से जो लीगल फिलॉसफी बेंथम ने दी उसको कहा गया यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म।
और बेंथम को कहा गया इंडिविजुअलिस्ट, क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करते थे लेसेस फेरे प्रिंसिपल को, जिसका मतलब है लेट द मैन फ्री, यानी कि जो स्टेट होता है उसको इंडिविजुअल्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें जितना कम हो सके उतना कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। इसके अलावा बेंथम को यूटिलिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो लेजिस्लेशन होता है उसका मेन मकसद होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर लॉ का निर्माण किया जा रहा है ना, तो लॉ का निर्माण इसलिए किया जाना चाहिए ताकि जो ग्रेटेस्ट लोग हैं उनको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो, और यही तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है जिसके तहत बेंथम ये कहते हैं कि हमें वो एक्ट करना चाहिए जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्संस को, जो प्लेजर दे पूरी कम्युनिटी को। तो इसीलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग का एक्ट सही है या गलत है, ये चीज कैसे डिटरमिन की जाएगी? ये चीज ऐसे डिटरमिन की जाएगी कि वो पर्टिकुलर एक्ट कितना क्वालिटी ऑफ पेन और कितना क्वालिटी ऑफ प्लेजर एट द एंड प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जेरेमी बेंथम ने जो लॉ मेकिंग का मेथड होता है उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर जो लॉ है उसको इस एम के साथ नहीं बनाया जा रहा कि इससे ग्रेटेस्ट पीपल को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो, तो तब वो जो मेथड है ना लॉ मेकिंग का बेकार है। और इन्होंने क्रिटिसाइज किया करप्शन को और इनफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके अलावा बेंथम इस बात पे जोर देते थे कि जो लॉ होता है उसकी ना पीनल मतलब क्रिमिनल और सिविल जो ब्रांचेस होती है वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, और ये चीज इंडिया में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ सिविल लॉज अलग हैं, क्रिमिनल लॉज अलग हैं। नेक्स्टली जेरेमी बेंथम ये कहते थे कि हर एक लॉ में हमने कुछ चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि सोर्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंट, एस्पेक्ट, फोर्स, रेमेडियल अपेंडेजेस एंड एक्सप्रेशन। तो ये कुछ आर्ट पॉइंट्स हैं जो जेरेमी बेंथम ने बताए जो कि हमें हर एक लॉ में देखने चाहिए। इसके अलावा जो जेरेमी बेंथम थे, जैसे कि वो नेचुरल लॉ को तो रिजेक्ट करते ही थे, इसके साथ साथ वो नेचुरल राइट्स को भी रिजेक्ट करते थे। वो कहते थे कि नेचुरल राइट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन से राइट होते हैं, वही राइट होते हैं जो कि सोवरेन ने क्या कर दिए, रिकॉग्नाइज कर दिए। और इसके अलावा ये कहते थे कि जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है उसको लिमिट नहीं किया जा सकता है। और लास्टली जो इम्पॉर्टेंट बात जेरेमी बेंथम कहते थे वो ये थी कि जो एब्सोल्यूट जस्टिस होती है, अगर उसको पाने का आप सपना देख रहे हैं तो वो मिल ही नहीं सकती। एब्सोल्यूट जस्टिस किसी को भी नहीं मिल सकती है। एब्सोल्यूट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इरेशनल होता है, ये सिर्फ इल्यूजन होता है, मिथ होता है ये सिर्फ। तो इस तरह से जो भी आइडियोलॉजी हमारे सामने निकल कर आई जेरेमी बेंथम की, उसने इंग्लैंड में काफी सारे न्यू लीगल रिफॉर्म किए, और इस तरह से एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में जेरेमी बेंथम ने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट आते हैं जॉन ऑस्टिन, जिनको इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस और एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस का फादर भी कहते हैं। बेसिकली इनका जन्म 1790 में हुआ था और ये आर्मी बैकग्राउंड से थे, क्योंकि इन्होंने लेफ्टिनेंट के पद पर माल्टा और सिसली में 1812 तक कार्य किया। तो इस तरह से मतलब इनका जो बैकग्राउंड था वो आर्मी वाला था, तो ये बैकग्राउंड इनकी थियोरी में झलकता है। जैसे कि ये कहते हैं ना कि जो लॉ है वो कमांड है सोवरेन का, इस तरह से ये लॉ को बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हैं, कमांड के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये चीज कहाँ से आई? ये चीज आई इनके आर्मी बैकग्राउंड से। और इसके अलावा इन्होंने रोमन लॉ की पढ़ाई के लिए जर्मनी को विजिट किया था और वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाई की थी। तो वहाँ पर इन्होंने ये चीज भी देखी थी कि जो जर्मनी में किंग था, हर एक चीज जो वो कमांड कर रहा था उसको वहां के लोग ओबे कर रहे थे। तो ये दो चीजें जो हैं, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर जो आपके जॉन ऑस्टिन हैं, इन्होंने लॉ को एज अ कमांड ऑफ सोवरेन क्या किया, डिफाइन किया। इसके अलावा इन्होंने 7 साल तक लॉ को प्रैक्टिस किया। जब इन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया था ना, उसके बाद 7 साल तक इन्होंने लॉ का प्रैक्टिस किया, बट कोई इन्हें सक्सेस नहीं मिली। बट जैसे 1819 में इन्होंने सरा टेलर नाम की महिला से शादी की, वैसे इनकी जिंदगी में बहार आ गई। शादी के बाद ये बेंथम जो लंदन में थे उनके पड़ोसी बन गए, और वहाँ
जो भी आपस में बातचीत होती थी, बैंथम जो भी चीजें बताते थे उनको पैराफ्रेजिंग करके इन्होंने क्या किया, लोगों के सामने लाया। लाइक 1832 में इन्होंने जो लंदन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए थे वो लेक्चर एक बुक की फॉर्म में, जिस बुक का नाम था द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटरमाइन, पब्लिश हुए। इस बुक में बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि जो लॉ है उसके सोर्स क्या है, उसका नेचर क्या होता है, इंग्लिश लीगल सिस्टम कैसा था उसको एनालाइज किया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि जो डिवाइन लॉ होता है ना ये ज्यूरिसप्रूडेंस के परव्यू में नहीं आता है। इसके अलावा इन्होंने किस तरह से लॉ को डिफाइन किया, किस तरह से सोवरेनिटी को डिफाइन किया, और इनका ज्यूरिसप्रूडेंस को लेकर क्या अप्रोच था, इन तीनों टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना क्योंकि वो सेम चीज हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्टली ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम है अप्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, प्री एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। और 1859 में जैसे कि ऑस्टिन लुढ़क लिए थे, मतलब मर गए थे, मतलब डेथ हो गई थी इनकी, तो इनकी डेथ के बाद जो इनकी वाइफ थी ना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी वो, तो उन्होंने जो ऑस्टिन की बुक थी ना द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटरमिन, इस बुक का सेकेंड एडिशन 1861 में पब्लिश किया। इसके अलावा इनकी वाइफ ने ऑस्टिन के जो भी लेक्चर्स रहे थे ज्यूरिसप्रूडेंस के ऊपर, उसके जो भी उन्होंने नोट्स वगैरह बनाए हुए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया और एक और बुक पब्लिश की जिसका नाम था द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो यहाँ से आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड की लाइफ में उसके जीवन के दौरान भी और उसके मरने के बाद भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और अगर इनकी वाइफ पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट नहीं होती तो फिर क्या ही होता इनका, इसलिए महिलाओं को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर में बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं इस चीज़ के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि अगर हमें किसी भी सोसाइटी का ग्रोथ चेक करना है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उस सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है तो इसका मतलब वो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है, अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो सोसाइटी बकवास है। तो इसलिए आज के टाइम पे महिलाओं का पढ़ा लिखा होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ही आवश्यक है। अब आगे जो ऑस्टिन की थियोरीज थी उनको इम्प्रूव करने का काम हॉलैंड और सामन ने किया और साथ ही ग्रे ने भी किया। हॉलैंड और सामन ने जो भी ज्यूरिसप्रूडेंस को लेकर अप्रोच रखी वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगी जो कि हमने आई बटन में डाल दिया, तो एक बार आप आई बटन जरूर चेक कर लेना। वहीं अगर हम बात करें ग्रे की तो ग्रे का इतना कुछ आपने ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो ग्रे वो ये कहते थे कि लॉ वो है जो जजेस ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि ग्रे की एक बुक है जिसका नाम है ऑन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट आपके आते हैं केल्सन, जिन्होंने दिया है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हैंस केल्सन के बारे में अगर हम जाने तो जो हैंस केल्सन थे ये एक ऑस्ट्रियन जुरिस्ट थे, इसके साथ साथ ये लीगल फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और इन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ अपनी सर्विस भी दी थी, और इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी लिखा था जो कि 1920 में अडॉप्ट कर लिया गया था। और फिर ये आपके ऑस्ट्रियन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 1920 से लेकर 1930 तक जज भी रहे। इसके बाद 1940 में इन्होंने यूएस में इमिग्रेट कर लिया और वहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ अपनी सर्विस दी और कुछ बुक्स भी लिखी, जैसे कि पहली बुक तो मैंने आपको बताई दी द ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट बुक थी इनकी जनरल थियोरी ऑफ लॉ एंड स्टेट, नेक्स्ट द प्योर थियोरी ऑफ लॉ जो 1934 में इन्होंने लिखी थी और इसका रिवाइज एडिशन आया 1960 में, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नेक्स्ट व्हाट इज जस्टिस जो कि 1957 में लिखी। इसके अलावा और भी बुक्स इन्होंने लिखी थी। तो ये जितनी भी बुक्स केल्सन ने लिखी इन सब में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है द प्योर थियोरी ऑफ लॉ। इस बुक में जो भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए उसको भी हमने यही नाम दिया कि ये हैंस केल्सन की है प्योर थियोरी ऑफ लॉ। और जब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि जो केल्सन थे वो
जूरिस्प्रूडेंस को किसी भी तरह की जो सोशल साइंस होती हैं, जो सोशियोलॉजी होती है, जो मेटाफिजिक्स होता है, पॉलिटिक्स, एथिक्स, रिलीजन, हिस्ट्री, ये कहते थे कि इन सब से हम जूरिस्प्रूडेंस को रिलेट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ के ये अगेंस्ट थे। इस तरह से जो जूरिस्प्रूडेंस का बहुत भयंकर वाला स्कोप है ना, उसको ये ख़त्म करने लग रहे थे। तो जो भी इन्होंने इस थ्योरी के तहत बातें की उनको अगर हम डिस्कस करें, मतलब सारी की सारी डिस्कस नहीं कर रहे, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही डिस्कस करें और साथ में उनकी बुराई भी करेंगे हम, मतलब उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि जो थ्योरी ऑफ लॉ होता है ना, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस में एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को ही लगा लो, इंडिया में नवतेज सिंह जौहर का केस जो आया था उससे पहले वो इलीगल थी, बट आज लीगल है। इस चीज़ के अलावा ट्रिपल तलाक, जो इंडिया में शायरा बानो के केस के आने से पहले लीगल था, बट अब वो इलीगल हो गया, वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, बल्कि वो अब ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि मॉन्टेस्क्यू जो है उनका ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो लॉ है उसको बदलना पड़ता है। साइबर लॉ जो पुराने टाइम पर, जब बाबा आदम का जमाना चल रहा था, उस टाइम पर नहीं थे, बल्कि उस टाइम पर तो कोई लॉ ही नहीं था। तो धीरे धीरे करके जमाना बदला, टेक्नोलॉजी आई, उसी के अकॉर्डिंग जो न्यू लॉज हैं वो इमर्ज हुए। तो जो नीड्स है सोसाइटी की वो डे बाय डे चेंज होती है, उसी चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो थियोरी ऑफ लॉ है ना, उसको भी बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी टाइम्स में जो थियोरी ऑफ लॉ है वो एप्लीकेबल हो। वहीं दूसरी चीज़ इन्होंने जो कहा कि ऑल प्लेसेस में एप्लीकेबल हो, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई प्रिंसिपल जो इंडिया में अप्लाई हो रहा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी सारे कंट्री में भी अप्लाई हो रहा हो, वो पाकिस्तान में अप्लाई हो रहा है, वो यूएसए में अप्लाई हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। हालांकि कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं सिविलाइजेशन के, जिनको इंटरनेशनल लॉ के सोर्स के रूप में मान्यता मिली है, जैसे कि रेस जुडिकाटा, सबरोगेशन का प्रिंसिपल हो गया, और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं, बट ऐसा सभी थियोरी ऑफ लॉ के कंटेक्स्ट में नहीं कहा जा सकता है कि वो सभी प्लेसेस पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते थे कि जो थियोरी ऑफ लॉ है वो प्योर होनी चाहिए, जिसके तहत इनका ये मानना था कि जो लॉ होता है ना, वो रिलीजन से, एथिक्स से, पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से, सोशोलॉजी से, मेटाफिजिक्स से, इन सब से अलग होना चाहिए, इन सब से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इन सब से लॉ का कोई रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि जो लॉ है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो हमारा उल्लू बना रहे हैं। जुरिस्प्रूडेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, जुरिस्प्रूडेंस में हम लॉ की ऐसी तैसी करते हैं, मतलब लॉ को हर चीज़ के कंटेक्स्ट में रख के पढ़ते हैं, सोसाइटी हो, रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैसे लॉ आया, हर चीज़ से कनेक्ट करके ही तो हम लॉ को पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप है ना, उसको ये ख़त्म कर रहे थे। जुरिस्प्रूडेंस को हम रिलेट करते हैं सोशल साइंसेस से, बट अगर हम कैल्सन की थ्योरी अप्लाई करें तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस को हम किसी भी सोशल साइंस से कनेक्ट करके नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर जुरिस्प्रूडेंस का फायदा ही क्या है? नेक्स्टली, जैसे कि इनका कहना था कि जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है, तो ये इसलिए कहते थे क्योंकि पहली चीज़ तो ये डिनाई करते थे ना कि किसी भी तरह के जो अदर सोशल साइंसेज हैं उससे लॉ का कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से जो लॉ है वो कोई नेचुरल साइंस नहीं है, बल्कि जितने भी नेचुरल साइंसेज होते हैं लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह, मेटाफिजिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, रिलीजन, इन सब से जो लॉ है वो अलग है। तो लॉ क्या है? लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है। और जैसा कि जो ऑस्टिन थे वो बोलते थे कि जो लॉ है वो कमांड है सोवरेन का, जो कि बैक बाय होता है सेंक्शन। इस तरह से जो सेंक्शन होता है उसको ऑस्टिन कहते थे कि एक एसेंशियल एलिमेंट होता है लॉ का। तो वही चीज़ कैल्सन भी कहते हैं कि जो लॉ है उसका एसेंशियल एलिमेंट होता है सेंक्शन, बट सेंक्शन को कैल्सन कहते हैं यहाँ पर क्या, नॉर्म। सेंक्शन को इन्होंने नॉर्म का नाम दिया और नॉर्म को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मॉरल नॉर्म एंड लीगल नॉर्म, और इन दोनों में डिफरेंस भी बताया। इन्होंने कहा कि जो मॉरल नॉर्म होते हैं ना, वो बस ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का परिणाम क्या होगा, कंसीक्वेंस क्या होगा अगर कोई व्यक्ति कुछ करेगा और या फिर कुछ नहीं करेगा, ये नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा सिंपली ये कह देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, तो ये मॉरल नॉर्म हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मम्मी पापा ये कहते हैं कि अगर आपने ये काम किया ना, उसके बाद देख लेना ऐसी कुटाई होगी ना, तुम्हारी जिंदगी भर याद रखोगे, तो फिर ये चीज़ आपकी बन जाएगी लीगल नॉर्म, बट मम्मी पापा को आपने स्टेट की तरह एज्यूम करना है।
तो इस तरह से जो लीगल नॉर्म है वो ये चीज कहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट किया जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी स्टेट से. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोरी करेगा तो 3 साल की सजा होगी, अगर कोई मर्डर करेगा तो फांसी पे लटका दिया जाएगा. तो ये क्या हो गए, ये लीगल नॉर्म हो गए जो सेंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लॉ का वायलेशन करेगा देन ही ought to be punished by the state. तब उसको स्टेट के द्वारा पनिशमेंट मिलनी चाहिए. और इस थ्योरी के तहत इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो था ग्रन नॉर्म का कॉन्सेप्ट, जिसके तहत इनका ये मानना था कि जो लीगल ऑर्डर होता है वो एक पिरामिड होता है नॉर्म्स का, लाइक हमारे इंडियन कोर्ट्स का हायरार्की है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो इसी तरह से जो लीगल ऑर्डर होता है वो नॉर्म्स का पिरामिड होता है, जिसमें जो सबसे टॉप वाला नॉर्म होता है, जो सबसे टॉप वाला बेसिक नॉर्म होता है, उसको हम गिरन नॉर्म कहते हैं, जो कि एक ऐसा नॉर्म होता है जो बाकी जो नीचे के नॉर्म्स हैं उनको वैलिडिटी देता है, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स करता है जिसके तहत रहकर ही जो बाकी नॉर्म्स नीचे के हैं वो वैलिड हो सकते हैं. अगर वो उस स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, फेल कर जाते हैं, तो फिर वो वैलिड नहीं होंगे. इट मीन्स कि अगर जो नीचे के बाकी नॉर्म्स हैं वो ग्रन नॉर्म के अगेंस्ट हैं तो तब वो क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे. तो इस तरह से जो आपका ग्रन नॉर्म होता है वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो है हायरार्की का बनाया हुआ, उसमें सबसे टॉप पर होता है और बाकी सभी अदर नॉर्म से इंडिपेंडेंट होता है, और हर एक सबॉर्डिनेट नॉर्म अपने ऊपर वाले सुपीरियर नॉर्म के कंट्रोल में रहती है. हालांकि जो ग्रन नॉर्म है वो अलग अलग कंट्री में डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि जो केल्सन है वो ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लीगल सिस्टम में, हर एक कंट्री में जो ग्रन नॉर्म है वो सेम हो. सेम होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, ग्रन नॉर्म का होना, किसी भी तरह से करे बट ग्रन नॉर्म एग्जिस्ट करे ही करे. लाइक कहीं पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं कि ये ग्रन नॉर्म है, कहीं पर हम कह सकते हैं कि जो क्राउन है वो ग्रन नॉर्म है, कोई डिक्टेटर है उसका जो विल है वो ग्रन नॉर्म है. तो हर एक सिस्टम में, हर एक कंट्री में जो ग्रन नॉर्म का कॉन्सेप्ट है, जो टॉप पर है नॉर्म, वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, बट हर एक कंट्री में उसका एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है, ये कहते हैं आपके हैंस केल्सन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम रिगार्ड कर सकते हैं ग्रन नॉर्म. बाकी जितने भी लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और बाकी जो बच गए, वो सब अपनी वैलिडिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके कंसिस्टेंट में हैं तो तब वो वैलिड रहेंगे, अदरवाइज उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तो इस तरह से अगर इनमें से किसी भी लॉ का कोई प्रोविजन जो ग्रंथ नॉर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके अगेंस्ट है तो तब वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. तो इस तरह से जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रंथ नॉर्म रिगार्ड किया जा सकता है और बाकी जो अदर लॉज हैं वो ग्रंथ नॉर्म के सबॉर्डिनेट नॉर्म कहे जा सकते हैं. तो इस तरह से जो ग्रंथ नॉर्म है उसको केल्सन ने कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट सुपीरियर बना दिया. ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई कि ग्रन नॉर्म भी तो कहीं ना कहीं से अपनी वैलिडिटी ड्राइव करता होगा, इस चीज़ को बताने में ये फेल हो गए. अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्योर थियोरी ऑफ लॉ इन्होंने दिया, इसका मेरिट क्या है, तो मेरिट यही है कि इन्होंने अपने थियोरी के तहत जो इंटरनेशनल लॉ है ना उसको एज अ लॉ रिकोगनाइज किया. हालांकि ऑस्टिन और सामंड वगैरह ये सब नहीं करते थे, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को ज्यूरिसप्रूडेंस के स्कोप से लगभग दूर करने की कोशिश की, बट केल्सन ने ऐसा नहीं किया. और इसके अलावा इन्होंने जो प्योर थियोरी ऑफ लॉ दी वो बेस्ट थी फॉर पीसफुल चेंज, ऐसा कह सकते हैं, बट ऐसा मुझे खैर नहीं लगा. और इसके अलावा इन्होंने जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का जो सोच था उसमें एक नया चेंज लाया, नया कॉन्सेप्ट था ना, तो नई चीज़ लेकर आई. इस तरह से इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि कोई भी लॉ कंट्री में ऐसा प्रिवेल नहीं कर सकता है जो ग्रंथ नॉर्म या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अगेंस्ट हो. अब अगर हम बात करें केल्सन की जो प्योर थियोरी ऑफ लॉ है उसके क्रिटिसिज्म की, तो पहली चीज़ जैसे कि जो ग्रंथ नॉर्म का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये वैग है, ये कन्फ्यूजिंग है, ये चीज़ नहीं बताता है कि ग्रंथ नॉर्म भी तो कहीं ना कहीं से वैलिडिटी ड्राइव करता होगा, ये चीज़ तो बतानी चाहिए ना.
और दूसरी चीज, इन्होंने नेचुरल लॉ को इग्नोर किया और जो ज्यूरिसप्रूडेंस का स्कोप था उसको बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया। ये कह दिया कि भाई जो भी अदर सोशल साइंसेस है उससे अलग करके हम ज्यूरिसप्रूडेंस को देखेंगे, लॉ को हम ऐसे रिलेट नहीं कर सकते किसी भी सोशल साइंस से। तो इस तरह से जो सोशल फैक्ट से लॉ का कनेक्शन होता है उसको ये डिनाई कर रहे थे, जो कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉ जो होता है वो सोसाइटी के लिए ही तो बनता है। एक आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के जुरिस्ट हैं रुडोल्फ वॉन जेरिंग या फिर एरिंग, ऐसी करके कुछ नाम है उनका। उनका कहना है कि जो लॉ होता है ना वो सोशल एंड को सर्व करने के लिए ही बनाया जाता है, सोशल फैक्ट को देखते हुए, सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए लॉ बनाया जाता है। तो इस तरह से जो कैल्सन है वो तो भाई सोसाइटी से ही बिल्कुल अलग कर रहे थे लॉ को, जो कि किया ही नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो लॉ है उसको मोरालिटी से अलग करना, एथिक्स पॉलिटिक्स सबसे अलग करना, बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट था ये, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से इस थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो थी आपकी हैंस कैल्सन की प्योर थियोरी ऑफ लॉ। अब अगर हम बात करें HLA हार्ट के बारे में, जिन्होंने क्या किया, जो भी जैसे कि अस्टेन और कैल्सन वगैरह क्या कर रहे थे, नेचुरल लॉ को ना बिल्कुल ही अलग कर रहे थे, वो किसी भी तरीके से नेचुरल लॉ को ना एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे। तो जो आपके HLA हार्ट थे, इन्होंने पॉजिटिविज्म की जो थियोरी दी उसमें नेचुरल लॉ को भी एड्रेस किया, उसके रोल को उन्होंने डिनाउंस नहीं किया जिस तरह से अस्टेन और कैल्सन करने लग रहे थे। और जो भी अस्टिन की थियोरी थी उनको रिजेक्ट करते हुए, उनको क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जो कि अक्सर प्री एग्जाम में पूछी जाती है। और इस तरह से जो पॉजिटिविज्म के रिगार्डिंग अप्रोच HLA हार्ट ने दी, उस अप्रोच में इन्होंने इम्प्लिसिटली मोरालिटी को भी जगह दी। और इस तरह से इन्होंने ये कहा कि जो लीगल थियोरी होती है ना, ये लॉ एंड सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर आधारित होती है। हालांकि ये चीज सपोर्ट करते थे कि कॉन्सेप्चुअली हम लॉ एंड मोरालिटी को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो लॉ होता है वो ये होता है और जो मोरालिटी होती है वो ये होती है, मतलब ये इस तरह से एक दूसरे से अलग है। बट ये चीज हम नहीं कह सकते हैं कि इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, बल्कि लॉ एंड मोरालिटी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। इसके अलावा जो अस्टिन की कमांड थियोरी थी उसको रिजेक्ट करते हुए जो HLA हार्ट हैं वो इस बात पे जोर देते हैं कि जो पॉजिटिव लॉ होता है ना, जो भी कोई लीगल सिस्टम वगैरह होता है, वो बेसिकली प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। प्राइमरी रूल्स बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो बाइंडिंग नेचर के होते हैं और ड्यूटी इम्पोज करते हैं, जिनको कोई भी ह्यूमन बीइंग ड्यू टू फैमिली सेंटिमेंट्स और रूल्स ऑफ किनशिप क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और फॉलो कर रहा है। बेसिकली इन रूल्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अनसर्टेनिटी होती है, ये स्टैटिक करेक्टर के होते हैं, इनमें इनइफिशियंसी होती है, और कोई ऐसी एजेंसी नहीं होती है जो इन रूल्स को क्या करती हो, डिसाइड करती हो, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली सेंटिमेंट या फिर किसी तरह के किनशिप की वजह से इनको एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। तो इस तरह से ये आपके ऑब्लिगेटरी नेचर के होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं आपके सेकेंडरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स पावर कंफर्निंग रूल्स होते हैं, यानी कि ये वो रूल्स होते हैं जो कानून के जो निर्माता होते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, उनको पावर देते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, रूल्स वगैरह बना सकते हैं, लॉ वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह से HLA हार्ट का कहना था कि कोई भी लॉ जो है वो प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स, इन दोनों के यूनियन से ही बनता है। इन दोनों का यूनियन जो लॉ का एसेंस होता है उसको तैयार करता है। और इसी कंटेक्स्ट में HLA हार्ट का कहना है कि ज्यूरिसप्रूडेंस बेसिकली इन दोनों रूल्स का सिस्टम है, और ये रूल्स ही क्या कर रहे हैं, लीगल सिस्टम की फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से ये बीइंग ऑब्लिश्ड और हैविंग एन ऑब्लिगेशन, इन दोनों टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस बताते हैं। बट साथ ही इन्होंने ये चीज भी कही कि जो पॉजिटिविज्म होता है वो कमांड, सेंक्शन और सोवरेनिटी की ट्रायलॉजी है। तो ये आप स्टेटमेंट इनका याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर प्री में पूछा जाता है। इसके अलावा HLA हार्ट का एक स्टेटमेंट है जो कि है, सम शेयर्ड मोरालिटी इज एसेंशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी। ये स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो भी इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए, इनमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ रिकॉग्निशन।
जो अक्सर प्री में पूछा जाता है कि ये किसने दिया, ये दिया था आपके एचएलए हार्ट ने। और रूल ऑफ रिकॉग्निशन से इनका मतलब था कि किसी भी लीगल सिस्टम का वो एकमात्र रूल जिसका बाइंडिंग फोर्स उसकी एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता हो, यानी कि जो भी ब्रिटिश क्वीन ने पार्लियामेंट में क्या कर दिया, इनैक्ट कर दिया, वो बन गया रूल ऑफ रिकॉग्निशन। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रूल के बाइंडिंग नेचर को क्वीन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है पार्लियामेंट में। अब ये सिटीजन्स के ऊपर बाइंडिंग होगा क्योंकि ये अब है रूल ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है एचएलए हार्ट के बारे में। तो ये था आपका एचएलए हार्ट का कंट्रीब्यूशन एनालिटिकल पॉजिटिविज्म में। हालांकि इनकी थियोरीज को क्रिटिसाइज भी किया और इस चीज के रिगार्डिंग एक कॉन्ट्रोवर्सी भी है जिसका नाम है हार्ट फुलर कॉन्ट्रोवर्सी, जो कि लॉ एंड मोरालिटी से रिलेट करती है। उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस है वो होता है खत्म। आई होप आपको काफी सारी क्लैरिटी हुई होगी एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यूरिसप्रूडेंस की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको ज्यूरिसप्रूडेंस की सारी वीडियो मिलेंगी। ज्यूरिसप्रूडेंस का अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो उसके बारे में जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर देना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।